ऑडियो थ्री संस्कृति की सीता की वापसी। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। देवताओं का स्वभाव और सहयोग। मित्रों, देवता हमेशा फूल बरसाते हैं और हमेशा बरसाएंगे, लेकिन उनके ऊपर बरसाएंगे जो कोई ऊंचा उद्देश्य लेकर के चलेंगे, जो कोई ऊंचा मकसद लेकर के चलेंगे, जो कोई ऐसा काम लेकर के चले हैं जिससे कि विश्वहित जुड़ा हुआ हो, जिससे किन्हीं सिद्धांतों का परिपालन होता हो, किन्हीं आदर्शों का परिपालन होता हो, उनके लिए देवता की सहायता सुरक्षित है। लेकिन उनके लिए सुरक्षित नहीं है जो कर्महीन, कर्म से भागने वाले, परिश्रम से जी चुराने वाले, हराम में देवताओं की कृपा मांगने वाले हैं। देवताओं के दरवाजे इनके लिए बंद हैं। देवता उनकी सहायता करेंगे? नहीं करेंगे। किनकी? जो देवता को अनैतिक बनाता है, जो देवता को अंधेर गर्दी का माध्यम बनाता है, नीति और मर्यादा को तोड़ देने वाला बनाता है। आपने तो सारी मर्यादाएं तोड़ डाली, नीतियां तोड़ डाली, अब क्या देवता को भी अपने जैसा बनाएंगे? आप देवता जैसे नहीं बन सकते तो कम से कम इतनी कृपा कीजिए कि देवता को अपने जैसा मत बनाइए, देवता को अपने जैसा घिनौना मत बनाइए जो अकर्मण्य लोगों की, स्वार्थी लोगों की, चालाक लोगों की, बेईमान लोगों की, बदमाश लोगों की सहायता करे। यह तो मत कीजिए। देवता की इज्जत की रखवाली तो कीजिए, देवता को तो बेइज्जत मत कीजिए। देवता को तो चरित्रवान रहने दीजिए, देवता को तो विवेकशील रहने दीजिए। मित्रों, हमको और आपको क्या करना पड़ेगा? यदि देवता के प्रति वास्तव में प्यार है तो हमें देवता के मार्ग पर चलना पड़ेगा। देवता के मार्ग पर चलना किसे कहते हैं? इसके लिए ही मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि संस्कृति की सीता को वापस लाने के लिए रामचंद्र जी ने अवतार लिया था। जब दुनिया से पाप का हरण करने के लिए उनने अवतार लिया था तो देवताओं ने कहा था कि भगवान जी आप चलते हैं? हाँ साहब, अब आप अवतार लेंगे? हाँ साहब, अवतार लेंगे तो आप अकेले काम नहीं कर सकेंगे। अकेले काम क्यों नहीं कर सकता? अकेला चना भाड़ को नहीं फोड़ सकता। आप अकेले पुल नहीं बना पाएंगे। आप अकेले पहाड़ नहीं उखाड़ पाएंगे। आप अकेले इतने राक्षसों से नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए सहायकों की जरूरत है। बेशक उनके साथ सहायक आए थे। कौन कौन आए थे? देवताओं ने कहा कि आपके साथ साथ में मनुष्यों के रूप में रीछ वानरों के वेश में हम जाएंगे, जन्म लेंगे। आज का मनुष्य तो बड़ा चालाक है। उसका सारे का सारा दायरा ऐसे बदमाशों से भरा पड़ा है कि जब हम कुछ अच्छा काम करने लगेंगे तो हमारी अक्ल खराब करने के लिए हजार आदमी आ जाएंगे। हमारी औरत आ जाएगी, हमारा बाप आ जाएगा, हमारा भाई आ जाएगा, हमारे मोहल्ले वाले आ जाएंगे, हमारे रिश्तेदार आ जाएंगे, हमारा साला आ जाएगा, सब आ जाएंगे और कहेंगे कि अच्छा काम मत कीजिए। त्याग बलिदान की बात मत सोचिए, माल मारने की बात सोचिए, डाका डालने की बात सोचिए। हर आदमी की एक ही सलाह रहेगी, दूसरी सलाह मिलेगी नहीं, जिससे कि शायद हमारा ईमान खराब हो जाए। इसलिए हम आपके साथ चलेंगे। देवताओं ने क्या किया? सारे के सारे देवता रीछ और वानरों के रूप में जन्म लेकर धरती पर आ गए। उन्होंने वह काम किया था जो देवताओं को करना चाहिए। किन किन ने किया था? ऋषियों ने किया था, वानरों ने किया था। देवता भी बार बार अवतार लेते रहे हैं। वे दुनिया में किस काम के लिए अवतार लेते रहे हैं? देवता दुनिया में किस काम के लिए आते रहे हैं? वे केवल एक काम के लिए आते हैं, श्रेष्ठ कामों के लिए सहायता करने के लिए। देवता श्री कृष्ण भगवान के जमाने में भी आए थे। कौन कौन आए थे? पांडव कौन थे? पांडव मनुष्य थे? नहीं, मनुष्य नहीं थे। कुंती से पूछो कौन थे। भगवान श्री कृष्ण जब आए थे तो उन्हें देवताओं की सहकारिता की जरूरत पड़ी थी, तो देवताओं ने जन्म लिया था। पांच पांडव कौन थे? देख, उनमें से एक धर्मराज का बेटा था, एक इंद्र का बेटा था, एक पवन का बेटा था, दो अश्विनी कुमारों के बेटे थे, सब देवताओं के बेटे थे। तो क्या किया उन्होंने? माल मारा, मकान बनाए, जायदाद बनाई, औरतों के लिए सोने के जेवर बनाए। क्यों साहब, जो देवता जितना बड़ा मालदार वह उतना ही बड़ा भाग्यवान होता है। भगवान जिसको जितनी दौलत दे वह उतना ही भाग्यवान होता है। नहीं बेटे, आध्यात्मिक दृष्टि से वह भाग्यवान नहीं होता,
आध्यात्मिक दृष्टि से भाग्यवान वह होता है कि जिसने जितना त्याग करके दिखाया है, जिसने जितना साहस करके दिखाया है। देवत्व आचरण से सिद्ध होता है। मित्रों, पांडवों का जीवन आरंभ से लेकर अंतिम समय तक कठिनाइयों का जीवन है, मुसीबतों का जीवन है, कष्टों का जीवन है। श्रेष्ठ कामों के लिए जो आदमी कष्ट उठा सकते हैं, त्याग कर सकते हैं और मुसीबतें सह सकते हैं, देवता उन्हीं का नाम है। नहीं साहब, देवता जिस पर प्रसन्न होते हैं उसका घर सोने का बना देते हैं, उसके बेटे को इनकम टैक्स ऑफिसर बना देते हैं। बक मत, देवत्व जिसके भीतर आता है वह दूसरों का अपने चरित्र के माध्यम से शिक्षण करता है। क्या हम अपने सिद्धांतों के प्रति पक्के और सच्चे हैं? आपकी परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा के बिना हम कैसे जानेंगे कि आप सच्चे हैं कि अच्छे हैं? हर आदमी को अपने सच्चे होने की और अच्छे होने की परीक्षा देनी पड़ती है। यह परीक्षा कैसे हो सकती है बेटे? कठिनाइयों से होती है। और कैसे होती है? नहीं साहब, आप इम्तिहान ले लीजिए, आप सवाल पूछ लीजिए, हम लिखकर दे देंगे। बेटे, इसमें सवाल नहीं पूछा जाता, वर्ण चरित्र के माध्यम से पता लगाना पड़ता है कि व्यक्ति जबान से जिन सिद्धांतों को बकबक करता है और जब मुसीबत का वक्त आता है, कठिनाई का वक्त आता है, तो उनका पालन कर सकता है कि नहीं कर सकता। साथियों, इसकी एक ही परीक्षा है, दूसरी कोई नहीं है, कि आप कठिनाइयों में सही साबित होते हैं कि नहीं, यह बताइए। लोभ का दबाव आने पर आप सही साबित होते हैं कि नहीं? मोह का दबाव आने पर आप सही साबित होते हैं कि नहीं? सिद्धांतों के प्रति जिनकी आप हर वक्त दुहाई देते रहते हैं, उन रक्षण करने के लिए लोभ का दबाव, मोह का दबाव आप मानते हैं कि नहीं? इंसान के बाहर वाले हिस्से पर पड़ने वाले दबाव तो कई हो सकते हैं, लेकिन भीतर वाले हिस्से पर बस दो ही दबाव दुनिया में काम करते हैं। एक लोभ का, जो हमको सिद्धांतों की तरफ नहीं बढ़ने देता, दूसरा मोह का, जो सिद्धांतों की ओर हमको बढ़ने नहीं देता। लोभ और मोह से, चैन और आराम से, खुशहाली और अय्याशी से अपने आप का बचाव करके जो आदमी सिद्धांतों के लिए अग्नि परीक्षा में चढ़ सकते हैं, वही आदमी देवता कहला सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान के साथ भी देवता आए थे, और कौन कौन के साथ में आए थे? बेटे, सबके साथ में देवता आए थे। भगवान के साथ साथ देवता भी हमेशा आते रहे हैं। साथियों, हमको और आपको जो काम करना है, मैंने आपको उसकी याद दिलाई कि पुराने जमाने के इतिहास से आप संगति मिलाते हुए अपना मुंह शीशे में देख सकते हैं। आपके भीतर भी एक ऐसा ही देवता झांकता हुआ मिलेगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा है। शायद आपके भीतर से कोई हनुमान झांकता हुआ दिखाई दे। दुनिया को आप देखते हैं कि नहीं? कभी अपने आप को भी देखना, तब आप अपने भीतर की बुराइयों को भी देखेंगे। पर मैं चाहूँगा कि आप अपने भीतर देवता की झांकी करें। आप अपने भीतर एक ऐसे व्यक्तित्व की झांकी करें जो पाप के पंख में फंसा हुआ सा नहीं है। यदि उसे मौका मिले तो वह हनुमान जैसी भूमिका भी निभा सकता है और नल नील जैसी भूमिका भी निभा सकता है और इतिहास में बहुत बड़ा काम कर सकता है। आप अपनी भूमिका निभा पाएं, इसलिए आपको आत्मबोध कराने के लिए, आपकी परिस्थिति से अवगत कराने के लिए, आपके लिए जो उचित काम है, कर्तव्य है, उसका उद्बोधन कराने के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है। अवसर का महत्व समझें। बेटे, यह युग बदलने का वक्त है, युग संध्या का वक्त है। यह बार बार नहीं आएगा, एक ही बार आया है और यह चला जाएगा, दोबारा नहीं आ सकता। गांधी जी का 79 आदमियों का जत्था जिस समय नमक बनाने के लिए गया था, मैं भी उन दिनों वहीं था। साबरमती के आश्रम में गांधी जी के पास में रहता था। क्योंकि मेरी उम्र 18 साल से कम थी, इसलिए नाबालिग होने की वजह से उन्होंने इनकार कर दिया था कि आप वहां नहीं जा सकती, आपकी उम्र छोटी है, इसलिए हम नमक सत्याग्रहियों में आपको लेकर नहीं चलेंगे। हमको नहीं लिया गया, लेकिन 79 आदमी जो नमक बनाने के लिए गए थे, उन सत्याग्रहियों की फिल्म जब देहरादून आई तो हमने वह फिल्म देखी। यूपी सरकार की फिल्म हम मंगाते रहते हैं। हमारे पास फिल्म प्रोजेक्टर था, यहाँ बच्चों को, लड़कियों को दिखाते रहते थे। यह घटना 70 के दशक की है। देव कन्याओं के प्रशिक्षण 17 शांति कुंज में चल रहे थे। उनके स्वस्थ मनोरंजन के लिए
16 मिलीमीटर के फिल्म प्रोजेक्टर की व्यवस्था की गई थी। भारत सरकार सूचना प्रकाशन विभाग की फिल्मों में गांधी जी की दांडी यात्रा की फिल्म भी मिल गई थी, उसे सबने देखा था। हमने गांधी जी की वह फिल्म देखी जिसमें वे नमक बनाने के लिए गए थे। 79 आदमियों में से एक एक कर सामने आते चले गए। हरिभाऊ उपाध्याय आते चले गए, महादेव भाई देसाई आते चले गए। गांधी जी लाठी लेकर दांडी यात्रा में चल रहे हैं, वहां बरगद के पेड़ के नीचे ठहर रहे हैं। बाकी सत्याग्रहियों का जत्था एक के बाद एक चल रहा है। हम नहीं जा सके। हमारे मन में आया कि अगर मैं भी 18 वर्ष की उम्र का रहा होता और भगवान ने अगर मौका दे दिया होता तो मैं भी गया होता। हमारी भी फिल्म सारे भारतवर्ष में दिखाई जाती, पर क्या करें, समय था जो निकल गया, तो क्या वह मौका दोबारा आएगा? मित्रों, यह कौन सा मौका है? युग बदल रहा है और आपके लिए युग बदलने की भूमिका दिखाने का मौका है। आप दोबारा मौका देंगे? बेटे, यह दोबारा नहीं मिल सकता। यह मौका जिसमें आपको याद दिलाने के लिए बुलाया गया है, आप चाहे तो इस मौके का लाभ उठा लीजिए। अन्यथा एक बात मैं कह देता हूँ कि आपके बिना कोई काम रुकने वाला नहीं है। सीता वापस आ जाएगी? हाँ, सीता वापस आ जाएगी। युग बदल जाएगा? ज़रूर बदल जाएगा। हमारे बिना भी बदल जाएगा? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके बिना भी बिल्कुल बदल जाएगा। फिर क्या हर्ज होगा? आपका ज़्यादा हर्ज होगा। आप पछताते रहेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस के आंदोलन में जिन जिन लोगों को 3 महीने की सज़ा हुई थी उनको पेंशन मिल रही है, जिनको 3 महीने की सज़ा हुई थी आजकल वे मिनिस्टर हो गए हैं। स्वतंत्रता सेनानी कैसा होता है? बेटे, स्वतंत्रता सेनानी बड़ा ज़बरदस्त होता है। कैसे? ऐसे जो 3 महीने जेल रह आया वह स्वतंत्रता सेनानी हो जाता है। गुरुजी, 3 महीने जेल जाने पर कोई आदमी ज़्यादा दुखी तो नहीं होता? बेटे, हम तो 4.25 बरस रहे हैं, हमारा तो कुछ खराब नहीं हुआ, हम बहुत अच्छी तरह रहे हैं। साहब, हमको भी 3 महीने के लिए जेल भिजवा दीजिए। तो फिर तू क्या करेगा? मैं भी स्वतंत्रता सेनानी का परिचय पत्र दिखाऊंगा और फिर मिनिस्टर भी हो सकता हूँ और MLA का चुनाव भी लड़ सकता हूँ। यह तो ठीक है, तो आप भिजवा दीजिए। हाँ बेटे, भिजवा दूंगा। अच्छा बेटे, एक काम कर, अपने यहाँ जुए का एक अड्डा बना ले और सारे मोहल्ले वालों को बुलाकर जुआ खेल। फिर मैं क्या करूँगा? पुलिस वाले के पास जाऊँगा और चुपचाप कह दूंगा कि भाई साहब मेरे साथ चलिए, अभी मैं जुआरियों को गिरफ्तार कराता हूँ। खट से पुलिस आ जाएगी और पैसे समेत तुझे और तेरे साथियों को पकड़ ले जाएगी। फिर क्या होगा? फिर तुझे 3 महीने की जेल हो जाएगी और तेरे जितने संबंधी हैं उन सबको जेल हो जाएगी। तेरे साथ साथ में उन सबको फाइन लग जाएगा, वे भी सब जेल चले जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा? वे सब मिनिस्टर हो जाएंगे, तू भी मिनिस्टर हो जाना। तेरे बहनोई, साला, पड़ोसी, नौकर चाकर जो भी जुए में पकड़े जाएंगे वे सब जेल चले जाएंगे और सब मिनिस्टर हो जाएंगे और सबको पेंशन मिलेगी। गुरुजी, आप तो मजाक करते हैं। बेटे, बिल्कुल मजाक कर रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर आप सच सच बताइए कि कोई और रास्ता है? हम 3 महीने के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम चाहे तो छुट्टी ले लेंगे, अपनी खेती से हर्ज कर देंगे, खेती के लिए नौकर रख लेंगे, पर आप हमको जेल भिजवा दीजिए और 250 रुपये महीने की पेंशन दिला दीजिए। बेटे, अब हम नहीं दिला सकते, अब वह मौका चला गया। जब मौका था तब तेरे पास दिल नहीं था और जब यह समय आ गया है तब औरों को देख करके कहता है कि हमको भी पेंशन दिला दीजिए। जब समय था तो नल नील भी इतिहास प्रसिद्ध हो गए थे, गिद्ध भी हो गए थे, गिलहरी भी हो गए थे, जामवन भी हो गए थे। अब वह समय चला गया, अब क्या रखा है?